नमस्ते दोस्तों, मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से सांभर बनाएंगे, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं तो कभी कभी एक जैसा सादा खाना खाने से मन उब जाता है, तो बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। ऐसे तो सांभर में बहुत सी सब्जियाँ पड़ती हैं, सहजन भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, केवल कद्दू डालेंगे। कद्दू की जगह आप लौकी भी डाल सकते हैं। ये हमने कद्दू ले लिया है, ये हमारा आधा केजी से कम कद्दू था। इसको साफ़ करने के बाद इतना बचा है, बीज वगैरह निकाल देना है, छिलकों को भी हटा देना। यदि हरा कद्दू है बिल्कुल तो छिलका आप छोड़ सकते हैं। दो खटाई है, ये घर की सूखी हुई खटाई है, कहीं भी मिल जाती है किराने की दुकान पर। खटाई की जगह आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चार हरी मिर्च है, इसको हमने काट लिया है। करी पत्ता है, करी पत्ते को भी धुल के काट लें। यदि करी पत्ता नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ऐसे करी पत्ता इजली मिल जाता है कॉलोनियों में। अरहर की दाल है, एक कटोरी अरहर की दाल हम ले लिए हैं। सांभर आप यदि पतला पसंद करते हैं तो मात्रा कम कर सकते हैं दाल और सब्जी की, गाढ़ा पसंद करते हैं तो मात्रा बढ़ा सकते हैं। इधर हमने प्याज लिया है, दो मीडियम साइज प्याज, इसको काट लिए हैं। ये तीन बड़े चम्मच सांभर मसाला है, एवरेस्ट का सांभर मसाला है। नमक स्वाद अनुसार डालना है, राई, हल्दी पाउडर। अब हम अपनी कढ़ाई कुकर की तरफ चलते हैं। सांभर को आपको सरसों के तेल में ही बनाना है, क्योंकि तेल में बनाने से थोड़ा चटकपन रहता है। तेल हमारा गरम हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें हम राई डाल देंगे। पहले इसमें आपको तेज़पत्ता, जीरा कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि सभी चीज़ें सांभर मसाला में पड़ी रहती हैं। प्याज डाल देंगे। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज के भी इसको बना सकते हैं। सांभर को आपको अलग से फोंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें हम एक साथ डालेंगे। हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार, जैसा तीखा पसंद करें कम ज़्यादा कर सकते हैं। करी पत्ता, अक्सर कुछ चीज़ बच्चों को बनाने में कठिन लगता है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो सांभर बना के बच्चे चावल बना लेंगे आराम से। 20 मिनट के अंदर उनका भोजन तैयार हो जाएगा। प्याज को थोड़ा भून लेंगे। प्याज हमारी भुन चुकी है, इसमें हम कद्दू डाल देंगे। कद्दू को थोड़ा सा बड़ा ही काटना है, आप जैसा हम काटे हैं। इसी के साथ अरहर की दाल डाल देंगे। ये अरहर की दाल है, इसको हम भून लिया है अच्छे से, इसको तुअर दाल भी कहते हैं। सांभर अरहर की दाल में ही अच्छा लगता है, ऐसे आप चाहें तो मिक्स दाल बहुत लोग खाते हैं, चना मूंग अरहर उसमें भी बना सकते हैं। जब भी अरहर की दाल बनाएं तो अरहर की दाल को 4-5 पानी से अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए, जिससे इसका जो भी इसमें पाउडर लगा हो वो साफ हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको हम तेज गैस करके भूनेंगे। इसी समय हम इसमें सभी मसाले ऐड कर देंगे, उसके बाद भूनेंगे। हल्दी, सांभर मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और ये दो खटाई डाल देंगे। सांभर में टमाटर का प्रयोग नहीं करना है। अच्छी तरह से इसको चला करके 2 मिनट तक हम इसे ढक देंगे। हल्का सा पानी ऐड करेंगे, जिससे ये तली में पकड़ने ना पाए। उसके बाद हम पानी डाल के सीटी लगा देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। इसको हम चला लेते हैं। मसाले से बहुत अच्छी महक आ रही है। दोस्तों, सांभर में तेल का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है, हल्का ही तेल इसमें डालना है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। पानी हम डाल दिए, इसमें 6 कटोरी पानी हम डाले हैं। इस तरह से अभी लग रहा है, यदि हमें गाढ़ा लगेगा
और पानी ऐड करना हुआ तो हम इसमें गर्म पानी करके डालेंगे, ठंडा पानी कभी भी नहीं डालना है। कुकर को बंद कर देते हैं, 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। जब अपने आप कुकर ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम खोलेंगे। 3 सीटी आने के बाद गैस हमने बंद कर दिया था, कुकर अपने आप ठंडा हो गया, कुकर को हम खोल लिए थे। सांभर हमारा बन करके तैयार है। इस तरह से बच्चे सांभर बनाएंगे तो उनको अलग से छौंकन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि मिर्च कम पसंद करते हो तो ऊपर से मिर्चा नहीं डालना है, क्योंकि सांभर मसाले में मिर्चा होता है, लाल मिर्च इसमें होती है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों सांभर बन करके तैयार है। इस तरह से सांभर बच्चे बना करके रोटी से, चावल से खा सकते हैं, उनको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही कम समय में आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। आप सांभर के ऊपर धनिया की पत्ती की जगह करी पत्ते डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है स्वाद। तो इस तरह से आप सांभर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।